अगर आप ये सोच रहे हैं कि खराब सिविल स्कोर के कारण कोई आपको लोन नहीं देगी, तो ऐसा मत सोचिए, क्योंकि अगर आपका सिविल स्कोर बहुत घटिया से घटिया है ना, 600 से नीचे भी है ना, फिर भी बैंक वाले आपको बहुत खुशी खुशी छोटा मोटा अमाउंट में, बल्कि 10 लाख 20 लाख रुपया जो है लोन देने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कैसे होगा? आप सोच रहे होंगे कि सिविल स्कोर जिसका खराब होता है उसका तो लोन जो है देने मतलब लोन अप्रूव भी नहीं होता और बैंक वाले देने को तैयार भी नहीं होते हैं। तो यहाँ छोटा रकम तो छोड़ दीजिए, यहाँ 10 लाख 20 लाख रुपया जो है लोन कैसे दे देगी बैंक वाले या NBFC वाले, उसके लिए भी कुछ कॉन्सेप्ट है और समझना आपको बहुत जरूरी है। एक्चुअली अगर ये समझना है तो आपको समझना पड़ेगा चाइना और श्रीलंका का केस। आपको मालूम है कि चाइना को अप्लाई करने से पहले श्रीलंका ने बहुत सारे कंट्री को जो है रिक्वेस्ट किया था कि मुझे पैसे की जरूरत है, मुझे लोन चाहिए। इनफैक्ट इंडिया के पास भी जो है रिक्वेस्ट आया था, इंडिया ने कहा कि मैं नहीं दे सकता हूं, क्योंकि जिस प्रोजेक्ट के लिए लोन दिया जा रहा था, इंडिया को पता था वेल रिसर्च करने के बाद कि अगर इस प्रोजेक्ट पे पैसा देंगे तो बाद में इतना रिटर्निंग नहीं मिलेगा और पैसा डूब जाएगी, है ना। और सिविल स्कोर भी यही चीज इंडिकेट करता है। तो फिर भी इसके बावजूद भी जो है चाइना ने श्रीलंका को लोन क्यों दिया? क्योंकि चाइना को पता था कि अगर वो लोन रिकवर नहीं कर पाएगा तो बाद में कुछ ऐसा चीज है जिससे वो पैसा जो है अपना रिटर्न जो है रिकवर करके ले सकता है। और यही चीज होता है सिविल स्कोर और लोन के बीच में। आखिर सिविल स्कोर क्या इंडिकेट करता है? मान लीजिए कि आपका सिविल स्कोर खराब है, इसका मतलब क्या हो जाता है? इसका सिंपल सा मतलब है कि आप जो है पास्ट में जो लोन लिए हैं उसको टाइम पे रिपेमेंट नहीं किए हैं। आपका फाइनेंस की दुनिया में, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की दुनिया में आपका जो क्रेडिट रहा वो अच्छा नहीं रहा, बस इतना इंडिकेट करता है, इसके अलावा कुछ नहीं। और ये क्रेडिट स्कोर से होता क्या है? आखिर क्यों नहीं बैंक और NBFC वाले लोन देने को तैयार होते हैं और किस कंडीशन में तैयार हो जाते हैं? इसके लिए कुछ रीजन तो होगा ना। देखिए ये जो स्कोर है, क्रेडिट स्कोर, सिविल स्कोर, एक्सपीरियंस, जो भी है, ये इंडिकेटर है, सिर्फ इंडिकेटर है। और इससे लेंडिंग कंपनी, एजेंसी जैसे बैंक, NBFC ये डिसाइड करती है कि इस बंदे को जिस पैन पे देना है लोन, इस बंदे का पास्ट में ट्रैक हिस्ट्री खराब रहा है, अगर मैं इसको लोन देता हूँ, पैसा देता हूँ, तो ये ब्याज तो छोड़िए मूलधन भी रिटर्न नहीं कर पाएगा। और यही रीजन से बैंक वाले लोन खराब सिविल स्कोर वाले को नहीं देना चाहती है। इतना ही है। लेकिन अगर ये विश्वास हो जाए चाइना की तरह, कि चाइना को जैसे विश्वास था कि लोन का पैसा नहीं मिलेगा, तो बाद में कोई ऐसा चीज है जिससे कि वो पैसा को रिकवर किया जा सकता है, ऐसे ही बैंक को विश्वास हो जाए, तो देखिए रियलिटी ये है कि मैंने अपने रिलेशन में कुछ ऐसे लोगों को देखा है जिसका सिविल स्कोर पास्ट में ट्रैक हिस्ट्री खराब होने के कारण बेकार हो गया था, लेकिन फिर भी बैंक मैनेजर खुशी खुशी उनके यहाँ आ करके लोन अप्रूवल के लिए रिक्वेस्ट किए, ब्रांच में जाकर के वो मेरे सामने लोन को अप्रूव किए और बताया कि इतना तक का लोन हो जाएगा। फिर मुझे समझ में आया कि ये चीज़ जो है आम पब्लिक को भी जानकारी होना चाहिए, क्योंकि जिनका सिविल स्कोर खराब होता है वो टेंशन में आ जाते हैं, यार मेरा तो सिविल स्कोर बहुत घटिया है, बहुत खराब है, तो ऐसे कंडीशन में अब तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। जिनके साथ ऐसा सिचुएशन है, इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि उनको भी एक हिम्मत मिले। अब समझिए कैसे होता है। जैसे मैंने आपको बताया चाइना के केस में एक स्ट्रांग पॉइंट मिल गया था चाइना को कि अगर जो है अगर पैसा रिकवर नहीं होगा तो बाद में इस कंट्री पे जो है जो बंदरगाह है वो जो है कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे ले लेगा और बाद में उसका पूरा कंट्रोल हो जाएगा और इस तरह से वो अपने पैसे को चुका भी लेगा, रिकवर भी कर लेगा, राइट। ऐसे ही बैंक वाले को अगर विश्वास हो जाए कि जिस बंदे का सिविल स्कोर खराब है लेकिन इसके पास कुछ ऐसा चीज है जिससे कि अगर फ्यूचर में बाद में पैसा न दे पाए, ब्याज न दे पाए, इंटरेस्ट और मूलधन न दे पाए, तो मैं उससे रिकवर कर लूंगा, काम बन जाएगा। और ये कैसे होगा? ये होता है जिनके पास जमीन होता है, जमीन को मॉर्गेज करके। अब जितना का लोन ले रहे हैं उससे ज्यादा वैल्यूएशन का जमीन अगर बैंक और NBFC के नाम से अगर मॉर्गेज किया जाता है तो ऐसे में उसके पास एक तरह से लोन सिक्योर लोन में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब सिक्योर लोन बन जाता है। और सिक्योर लोन का मतलब यह है कि बैंक और NBFC टेंशन फ्री होकर के इसको पता है कि ये बंदा रो के हंस के ये ब्याज के साथ मेरा जो है पैसा रिकवर कर मतलब रिटर्न कर देगा, पैसा रिकवर हो जाएगा, अदरवाइज बाद में है इसके प्रॉपर्टी को नीलाम कर दिया जाएगा और उससे पैसे को रिकवर कर लिया जाएगा, है ना। तो कोई ना कोई एसेट जो है उसको मिलना चाहिए बैंक और NBFC के पास,
है ना। तो ये चीज आपको अगर समझ में आ जाएगा, और ये चीज बड़े बड़े बिजनेसमैन ये सब क्या कर रहे हैं आज के डेट में, हैवी अमाउंट जो है बैंक से लोन ले रहे हैं, उनको पता है कि जो है पूरा अपना पैसा लगाकर बिजनेस करना बेवकूफी होगा, तो वो बैंक से पैसा लेते हैं और कभी कभी ये मॉर्गेज कर देते हैं जमीन को, जिनका सिविल खराब भी रहता है, और बाद में उस पैसे से बहुत पैसा कमा लेते हैं, पैसे का रिपेमेंट भी EMI भी टाइम पे कर लेते हैं, तो जो खराब सिविल स्कोर था वो भी बढ़िया हो जाता है, और जो पैसा के लिए जो है इसने जो जमीन मॉर्गेज किया था, गिरवी रखा था, बाद में वो चूंकि लोन चुक गया तो बाद में वो जमीन भी रिटर्न हो जाता है, मॉर्गेज भी कैंसिल हो जाता है, मतलब हर कंडीशन में जो है विन विन सिचुएशन रहता है लोगों के पास, अगर उसको जो है स्मार्टली मैनेज किया जाए तो। तो अब आप मुझे बताइए कि क्या आपके सर्किल में भी किसी का सिविल स्कोर खराब है? अगर है तो उसको शेयर करिएगा। दूसरी बात, आप बताइए कि आपका सिविल स्कोर कितना है और पास्ट में आपने अभी तक कितने बार जो है लोन लिया है।